नाउ वी विल लर्न अबाउट किचन। किचन क्या होती है? किचन का मतलब होता है रसोई घर, जहाँ पर आपकी मम्मी आपके लिए और डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए यमी यमी फूड बनाती है। तो किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, फ्रिज होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है। तो चलिए अब हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किचन में क्या क्या होता है। रेफ्रिजरेटर, किचन में क्या होता है? फ्रिज होता है। आफ्टर देन नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू। बच्चों हमें कभी भी नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ शार्प ऑब्जेक्ट। आफ्टर देन ओवन, ओवन क्या होता है? जिसमें हम खाना गर्म करते हैं और चीज़ों को बेक करते हैं। गैस स्टोव, गैस स्टोव पे मम्मा खाना बनाती है, जिसे हम चूल्हा भी कहते हैं। आफ्टर देन डस्टबिन, हर एक किचन में डस्टबिन होता है, जहाँ पे मम्मी वेजिटेबल के पील्स को और फ्रूट के पील्स को थ्रो करती हैं। आफ्टर देन फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन में मम्मा खाना बनाती है और चीज़ों को फ्राई करती है। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट, ये सब क्या हैं? डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं। सिंक, सिंक वो जगह है जहाँ पे बर्तनों को धोया जाता है। खाना खाने के बाद जो झूठे बर्तन होते हैं उसे हम सिंक में रखते हैं और वो बर्तन वहाँ पर साफ होते हैं। आफ्टर देन स्पून एंड फॉक, कांटा और चम्मच। आप यम्मी यम्मी मैगी और चाउमीन खाने में किसका यूज़ करते हैं? फॉक का। लेकिन बच्चों हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इट इज़ नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। और क्या होता है बताइए? केटल, केटल का मतलब होता है केतली, जिसमें पानी या चाय को रखा जाता है, गर्म रहता है। आफ्टर देन टोस्टर, टोस्टर में ब्रेड टोस्ट होती है। और क्या होता है किचन में? ग्लास, ग्लास स्टील का भी होता है और कांच का भी होता है।